हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑल इन वन में। अगर तो अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपना ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जो जो उसमें सैलरीड पर्सन है वो डायरेक्टली इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके अपना ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हर सैलरीड पर्सन को एक फॉर्म 16 उनकी कंपनी के द्वारा मिलता है। उस फॉर्म 16 को यूज़ करके आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए। आप यहाँ पे गूगल में, अगर आपको पूरा यूआरएल नहीं पता तो गूगल में आप लिखें इनकम टैक्स लॉगिन। इनकम टैक्स लॉगिन करने पे आपको सबसे पहले जो पहला लिंक आता है वो आता है लॉगिन करने का, वो ये वाला लिंक आता है। इसमें आप क्या करेंगे, अपना यूज़र आईडी, अपना पासवर्ड और कैप्चा कोड, साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपको ये तीन चीज़ें जो है एंटर करनी है। एक बार जब आप ये एंटर करते हैं तो अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये इन्होंने रजिस्ट्रेशन का भी लिंक दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके अपने आप को फ्रेश इंस्टॉल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, तो जिन जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, और जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है वो डायरेक्ट जो है लॉगिन का बटन दबा के लॉगिन करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी, पासवर्ड और आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए। जो भी आपका यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी एंटर करें, अपना पासवर्ड एंटर करें, डेट ऑफ बर्थ एंटर करें और ये कैप्चा एंटर करें। एक बार आप ये तीनों चीज़ एंटर करते हैं तो आप सीधे जो है लॉगिन की स्क्रीन में चले जाते हैं। अभी मैं सबमिट का लॉगिन का बटन क्लिक करूंगा और आपको मैं इंटरनल पेज शो करता हूं। मैं जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको ये इंटरनल पेज आ जाता है। इस इंटरनल पेज में आपने क्या करना है, ई फाइल पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करने के बाद से आपको असेसमेंट ईयर चूज़ करना है। उसके बाद से आपको जो है ITR फॉर्म चूज़ करना है। अगर आप सैलरीड के लिए भर रहे हैं तो आपको ITR 1 यूज़ करना है, और इसमें आपको क्या करना है, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, ये आपको ऑप्शन जो है चूज़ करने हैं। आपको डायरेक्ट अपना इनकम टैक्स रिटर्न आपके हाथ में, आपकी फॉर्म 16 फाइल जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है वो आपके हाथ में होना चाहिए। उसके बाद से आपने जो है असेसमेंट ईयर और ITR फॉर्म जो है ITR 1 चूज़ करना है, और उसके बाद से आपके पास तीन जो लेटेस्ट शुरू हुआ है वो आधार कार्ड OTP। इसके थ्रू क्या होगा कि आपका जो है वेरिफिकेशन साथ ही साथ हो जाता है। पहले हम क्या करते थे, हम जो है इसको फिल करने के बाद से इसको बेंगलोर मैनुअली भेजते थे, तो आप आधार कार्ड के थ्रू कर सकते हैं या आपके पास EVC है तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो आप यहाँ लिख सकते हैं आई डोंट वॉन्ट टू वेरीफाई दिस, तो आपने आपने नॉर्मली भेजना है कि आपने यहाँ भरने के बाद से आप उस फॉर्म को बेंगलोर डायरेक्टली भेजेंगे। एक बार आप ये करने के बाद से आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसमें आपको देखिए ऊपर सेशन टाइमर है आपका, ये सेशन टाइमर आपका ये बताता है कि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो फिर आपका जितना भी आपका इन्फॉर्मेशन है सब लॉस्ट हो जाएगी। आपको क्या करना है, फॉर्म भरने के साथ साथ आपको क्या करना है, उसको ड्राफ्ट फॉर्म में शो सेव करते रहना है। इसमें आप देखिए चार टैब्स हैं, एक है इंस्ट्रक्शंस का, इस इंस्ट्रक्शन को आप प्रॉपरली भर लीजिए। इसमें ऐसा बताया गया है कि आपने ये वाला जो बैक बटन है इस पर आपको क्लिक नहीं करना, आपने इसको फिल करना है क्योंकि ये टैब अपने आप जो है क्लिक होते रहते हैं। उसके बाद से जितने भी अमाउंट्स आप डालेंगे वो रुपीज़ में डालना है, जो आपको डेट डालना है वो डेट, मंथ और ईयर में। उसके बाद से जो ग्रेड आउट फील्ड है उन पर आप नहीं क्लिक कर सकते, वो एडिट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। जो पहला पार्ट आता है वो जनरल इन्फॉर्मेशन का पार्ट आता है, जो कि आपका एड्रेस, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा, जो भी आपका एड्रेस है, जो आपका लोकेशन है, जो आपका पैन कार्ड है, उसके बारे में सारी सारी इन्फॉर्मेशन देगा। उसके बाद से सेकेंड क्या आता है, आपका इनकम डिटेल्स आता है, जिसमें कि आपको अपनी इनकम की डिटेल्स डालनी होती है। उसके बाद से टैक्स डिटेल्स डालनी होती है और टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन का डालना होता है। ये सारे के सारे ऊपर टैब्स बना रखे हैं जिसको कि आपने फिल करना है।
तो पहला वाला है वो है जनरल इन्फॉर्मेशन का। तो आप देख सकते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन में आपका ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस, टाउन, सिटी, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका ये सारे सारे इन्फॉर्मेशन है। आपने यहाँ पे एम्प्लॉयर कैटेगरी, अगर आप गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में या अदर्स मीन्स जैसे प्राइवेट सेक्टर में, तो आपने अदर्स चूज़ करना है। रिटर्न फाइल आपने जो है, अगर डेट ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं तो आप ड्यू डेट से पहले वाला, ऑन और बिफोर ड्यू डेट या आफ्टर ड्यू डेट, ये अलग अलग कैटेगरी है। अगर आप ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं तो आपने ये वाला सेलेक्ट करना है। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस, आप रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, तो आपने वो सेलेक्ट करना है, रेजिडेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद से जो है ये ओरिजिनल कर रहे हैं कि रिवाइज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने वो सेलेक्ट करना है कि पहली बार भर रहे हैं या आप पहले कोई गलती हो गई थी उसको आप ठीक करने के लिए भर रहे हैं। तो ये जो है ये पहला जनरल इन्फॉर्मेशन का है, जिसमें कि ऑलरेडी आपका फिल्ड होंगे जो इन्फॉर्मेशन। आपने सिर्फ क्या करना है इसमें, ये अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, और उसके बाद से जो है आपने अपना रेजिडेंशियल स्टेटस और रिटर्न जो भर रहे हैं आप, किस फॉर्म में भर रहे हैं, ओरिजिनल भर रहे हैं कि इसमें। आप ये ध्यान रखें कि इसमें टाइमर चलता रहता है, आप ये प्रीवियस और नेक्स्ट के बटन दबा के आगे पीछे जा सकते हैं। उसके बाद से हम नेक्स्ट में जाएंगे इनकम डिटेल्स में। यह इनकम डिटेल्स का फॉर्म जिसमें आपको बड़े ध्यान से सारा कुछ भरना है। इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी पेंशन इंश्योर फिल SCHCDSmen, इसमें आपने क्या करना है, जो भी आपकी टोटल सैलरी बनती है जो कि आपकी फॉर्म 16 में दे रखी है, वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद से टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है या जो भी आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद से इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, जो अगर आपको इनकम आ रही है वो भी आपकी ऐड हो जाएगी, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आ रही है या कोई अदर सोर्सेज से इनकम आ रही है, वो सारा का सारा जो है आपका इसमें आ जाएगा। इसमें आप जो भी कुछ भी आप इसमें जो आपकी टोटल सैलरी है वो आप यहाँ मेंशन करते हैं। ये देखिए टोटल जो है अपने आप टोटल करके यहाँ बताया जाता है कि B1 प्लस B2 प्लस B3, ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम हुआ। उसके बाद से आपने कुछ अगर सेविंग कर रखे है ATC में, ATCC में, टोटल 1.5 लाख की आप सेविंग कर सकते हैं ATC में, ATD में मेडिकल वाला है, अगर आप 60 से कम के एज के हो तो 25 साल तक कर सकते हैं। और आपको मैंने बताया कि टाइमर होता है, इसलिए आप अगर आप बार बार सेव करते रहेंगे तो आपका टाइमर दोबारा दोबारा चलते रहेगा, ये मैसेज देता है। तो आपने जो जो इसमें आपने सेविंग कर रखी है, आपके फॉर्म 16 में जो भी मेंशन किया गया है, वो 1.5 लाख की आपने जो सेविंग दिखानी है और जो मेडिकल क्लेम है वो आपने इसमें पूरा फिल करना है। उसके बाद से यहाँ पे जैसे इसमें मैंने कोई डिडक्शन नहीं डाला तो डिडक्शन शो नहीं हो रहा। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने जो है ATC में मैंने जो है 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 1,50,000, तो आप देखेंगे कि ये सिस्टम कैलकुलेट 1,50,000, और जो मैंने 4 लाख डाला था उसमें से अपने आप 1.5 लाख माइनस हो गया और मेरा जो टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो 2.5 लाख है। 2.5 लाख में इसमें जो है ये आ गया आपका टोटल डिडक्शन, 1.5 लाख निकालने के बाद से आपके पास 2.5 लाख आ गया। उसके बाद से ये सारा का सारा टोटल पेएबल, टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम कितना बनेगा, ये सारा का सारा आपने अपने फॉर्म 16 से एक एक करके डाल देना है और यहाँ पे जो है आपका ये अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, ये पूरा सेट होता है। तो ये हो गया आपका तीसरा फॉर्म। अब लास्ट और फाइनल फॉर्म है जिसमें कि आपने बताया है कोई टैक्स टुक्स आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है। इस फॉर्म में आपने बताना है कि आपने ऑलरेडी कोई टैक्सेस जमा किया है वो, क्योंकि वो अगर आपने आपका जो कैलकुलेटेड टैक्स है और जो आपने टैक्स ऑलरेडी आपका डिडक्ट हो चुका है, आपने कोई FDI करवाई हुई या कुछ और करवाया हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या है रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से ये टैक्स पेड एंड वेरीफिकेशन होगा और फाइनली जो है आपने जो इसको सबमिट कर देना है। ऊपर से आपका जो है टाइमर लगातार चलता रहता है। तो इस तरह से जो आप ITR फॉर्म 1 जो है डायरेक्ट इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके इसको फिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें फर्स्ट पार्ट इंस्ट्रक्शन का है, दूसरा आपका जनरल इन्फॉर्मेशन जिसमें कि आपने अपना पैन कार्ड, आपका ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, साथ में आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। ये है मेन इनकम डिटेल जो कि आपको फॉर्म 16 से 1 by 1 करके भरना है उसमें। फिर टैक्स डिटेल्स है, ये वो डिटेल्स है जो कि ऑलरेडी आपका टैक्स कट चुका है, अगर आपने कोई FD कराई है या आपने कोई और स्कीम ली है जिसमें कि ऑलरेडी आपने आपका टैक्स बैंक के द्वारा कट चुका है, तो वो आप इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे डालनी है, जिससे कि जब कैलकुलेट होगी आपका इस बार टैक्स कितना बना था और आपने कितना टैक्स पे किया, उसके अकॉर्डिंग आप जो है रिफंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वाली स्क्रीन है जहाँ पे चेक किया जाता है कि टैक्स आपने कितना पे किया और ऑलरेडी कितना पे किया और आपका टैक्स कितना बनता है, ये यहाँ पे वेरिफिकेशन होती है और उसके बेस पे आप क्या करते हो, आपका डिसाइड होता है कि आपको कोई रिफंड मिलना है या नहीं मिलना है।
कितना टोटल टैक्स पेड हो चुका है, कितना अमाउंट पेएबल है, रिफंड है कि नहीं है। तो ये जो है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे आपको अपने आप ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्म लिंक्ड हैं। जो लास्ट वाला 80G का फॉर्म खुलता है वो बेसिकली डोनेशन से रिलेटेड है कि आपके पास कोई डोनेशन हुआ है, वो नॉर्मली अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मेन आपके फॉर्म्स यही हैं, जो कि इनकम डिटेल्स मेन है, जो कि आपको फॉर्म 16 से 1 बाई 1 भरना, टोटल आपकी इनकम कितनी है, टोटल आपका डिडक्शन कितना है, उसके बेस पे आपका जो है इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। यहाँ पे टैक्स डिटेल्स वो डिटेल्स हैं जो कि आपका ऑलरेडी टैक्स कट चुका है, आपने बैंक से जाना है, बैंक से अपनी इन्फॉर्मेशन लानी है ऑलरेडी जो है कि मेरा इतना टैक्स कट चुका है, इतना मेरा टैक्स बनता है, इतना एक्सेस मैं टैक्स दे चुका हूँ, वो आपका टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे ये वाला जो टैब है इस पे आपका कैलकुलेट होगा कि कितना आपने दे दिया है और कितना बनता है। अगर ज़्यादा दे दिया तो आपने जो है उसका रिफंड लेना है। ये सारा का सारा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपने जो है ITR को फिल करना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।